हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टैग टैली अकाउंट जीएसटी। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली अकाउंट और जीएसटी से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं, बांटी जाती हैं। तो आइए आज हम देखते हैं क्या सीखते हैं टैली में। तो आज देखिए, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से टैली में मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट की अल्ट प्लस सी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, अल्ट प्लस सी एक ऐसी मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट की है टैली के अंतर्गत, जिसका यूज करके आप बहुत सारा समय बचा सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अल्ट प्लस सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। दोस्तों, जब हम वाउचर एंट्री कर रहे हों और उस समय हमें पता चलता है कि हमने कुछ लेजर्स पहले से बनाकर तैयार नहीं रखे हैं, तो फिर यहाँ पर हम अल्ट प्लस सी की सहायता से डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही हमारे सामने ये परचेज वाउचर खुला हुआ है और यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं। जब हम एंट्री करते हैं तो हमारा कर्सर आता है पार्टी अकाउंट नेम में, और जो हमारे पास बिल है, जो हमें बिल प्राप्त हुआ है, उसकी हमें एंट्री करना है परचेज वाउचर के अंतर्गत। तो जब हम परचेज वाउचर के अंदर एंट्री करने जाते हैं तो यहाँ पता चलता है कि अमित ट्रेडर्स के नाम से हमारे पास कोई लेज़र नहीं है, क्योंकि जो माल हमने ख़रीदा है वो अमित ट्रेडर्स से ख़रीदा है और उसकी हमें एंट्री यहाँ पर करना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर यहाँ से बैग जाना होगा, फिर बैग जाना होगा, और फिर गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, फिर वहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, फिर लेज़र में जाएंगे, फिर क्रिएट में जाएंगे, तब वहाँ पर लेज़र क्रिएशन करेंगे, उसके बाद फिर हम परचेज वाउचर खोलेंगे, तब यहाँ पर फिर से एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैली के अंतर्गत अल्ट प्लस सी एक ऐसी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम यहीं पर डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि पार्टी अकाउंट नेम में हमारा ये कर्सर है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस सी का उपयोग करेंगे। जैसे ही हमने अल्ट प्लस सी दबाया तो यहाँ पर लेजर क्रिएशन फॉर्म डायरेक्टली खुलकर आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अमित ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से हमने अमित ट्रेडर्स यहां पर टाइप किया और अंडर में आ गए। अंडर में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर्स सेट करेंगे, और इस तरह से हम, और ये हमारी दिल्ली की पार्टी है तो हम यहां पर दिल्ली कर देंगे, और इस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद हम क्रिएट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने यहीं से अमित ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लिया, जो हमारा सेंडरी क्रेडिट्स था, जो हमें यहां पर फिल करना था पार्टी अकाउंट्स नेम में। अब हम, हमारा कर्सर आ गया परचेज लेजर में, तो परचेज लेजर हमारे पास पहले से बना हुआ है तो ठीक है। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि हम जैसे किसी और में एंट्री करते हैं और उससे संबंधित परचेज लेजर या सेल्स लेजर हमारे पास बना हुआ नहीं होता है, मान लीजिए हम परचेज रिटर्न हमारे पास नहीं बना हुआ होता है, तो हम यहाँ से अल्ट प्लस सी प्रेस करके और यहीं से डायरेक्टली परचेज लेजर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि टैक्स क्लासिफिकेट डिटेल्स क्या है, तो हम ये डालते हैं कि ये इंटर स्टेट परचेज है टैक्सेबल, हमने इसको सेट किया और यहाँ पर आ गए। अब हम आ गए नेम ऑफ आइटम्स कॉलम में। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम एंट्री कर रहे होते हैं तो पहले से हमारे पास कुछ स्टॉक आइटम्स बने होते हैं, और जो स्टॉक आइटम्स पहले से बने हुए होते हैं वही हम नेम ऑफ आइटम कॉलम्स में यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यदि पहले से बना हुआ स्टॉक आइटम नहीं है तो हम यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। तो जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि हमारे पास जब हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो इसमें शुगर स्टॉक आइटम है। मान लेते हैं कि हमारी ये कंपनी है, ये परचूनी के आइटम का व्यापार करती है, तो यहाँ पर शुगर है। अब हम इसमें शुगर डालने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए मना कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा टैली, क्योंकि हमारे पास पहले से कुछ स्टॉक आइटम बने हुए हैं लेकिन शुगर नामक स्टॉक आइटम नहीं बना हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शुगर जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके लिए फिर वही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी। यहाँ से बैक करेंगे, बैक करेंगे, बैक करेंगे, और फिर हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, फिर वहाँ से इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, फिर स्टॉक आइटम में जाएंगे, फिर क्रिएट में जाएंगे, और वहाँ से क्रिएशन करेंगे,
स्टॉक आइटम शुगर का, फिर वापस आएंगे, फिर परचेज लेजर खोलेंगे, फिर सारी प्रक्रिया दोहराना पड़ेगी। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्ट प्लस सीरीज, अल्ट प्लस सी जो है ना, वो एक ऐसी शॉर्टकट की है कि यहीं पर हम स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं। दोस्तों हमें ये याद रखना है कि कर्सर जिस जगह होगा, अल्ट प्लस सी दबाएंगे तो उसी से संबंधित विंडो खुलकर आएगी। जैसे पार्टीज नेम में था तो वहाँ पर जब हमने अल्ट प्लस सी प्रेस किया तो लेजर क्रिएशन फॉर्म आया। यहाँ अगर अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो खुलकर आएगी। अल्ट प्लस सी प्रेस करते हैं तो ये देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन फॉर्म हमारे सामने आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शुगर स्टॉक आइटम बना लेंगे। अब यहाँ पर जब हम शुगर स्टॉक आइटम बना रहे हैं तो शुगर को मापने की इकाई क्या है, यूनिट्स में पूछा जा रहा है। तो शुगर को क्या करते हैं कि हम केजीएस यानी किलोग्राम में खरीदते हैं, बेचते हैं, और उसके मापने की इकाई किलोग्राम ही है। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि किलोग्राम के नाम से हमारी यूनिट पहले से क्रिएट नहीं है, और पहले से यदि यूनिट क्रिएट नहीं है तो हम यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे, और फिल नहीं कर पाएंगे तो शुगर स्टॉक आइटम भी नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए फिर वही करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, बैग जाना पड़ेगा, बैग जाके फिर से वही सारी प्रक्रिया करना पड़ेगी। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए यूनिट क्रिएशन फॉर्म भी अपने सामने खुलकर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट बना लेंगे केजीएस, किलोग्राम की यूनिट बनाएंगे। तो यहाँ सिंबल डालना है तो हम यहाँ पर केजीएस डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम ये हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट विधि से बता रहे हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि किस तरह से किस में क्या फिल करना है तो पिछली वीडियोज़ हमारी हैं उसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोल्ड मांगा जा रहा है तो यहाँ पर हम जाएंगे के में और यहाँ पर किलोग्राम सेट करेंगे, केजीएस ये किलोग्राम सेट किया और यहाँ पर सेट करेंगे जीएसटी रेट। ऑन वैल्यू में जाएंगे, हमारा ये टैक्स वाला आइटम है। यहाँ पर मान लीजिए हम 5% का इंटीग्रेटेड टैक्स वाला आइटम है तो 5% हमने हमारा 2.5% 2.5% 2.5% सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हो गया। और इस तरह से हमने ये शुगर आइटम क्रिएट कर लिया। देखिए दोस्तों शुगर आइटम हमने क्रिएट किया तो हमारा ये शुगर आइटम स्टॉक आइटम यहाँ पर आ गया और लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में ये जुड़ गया। अब हम यहाँ से शुगर की एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से एंट्री करेंगे 10 kgs, kgs हमारी जो यूनिट बनाई थी वो भी आ गई और 100 के हिसाब से हम मान लेते हैं इसको खरीद रहे हैं, ये हमने लगा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, कर्सर फिर से नेम ऑफ आइटम में है। अब आप अगर देखते हैं कि कोई आइटम फिर से ऐसा है जिसका स्टॉक आइटम पहले से क्रिएट नहीं है तो यहाँ से अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। जब अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो नेम ऑफ आइटम के लिए हमें आइटम चाहिए होता है तो उसके लिए स्टॉक आइटम विंडो क्रिएशन खुल जाएगी और वहाँ पर जाकर हम दूसरा स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम एक एंटर और प्रेस करेंगे तो टेली ये समझेगा कि हमें अब स्टॉक आइटम यहाँ पर फिल नहीं करना है। तो अब इस जगह हम अगर अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो फिर से लेजर क्रिएशन फॉर्म हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, ये इंटर स्टेट परचेज है तो यहाँ पर IGST लगेगा, यहाँ पर IGST लगेगा। जब हम IGST लगाने की कोशिश करते हैं तो IGST यहाँ पर फिल नहीं होगा क्योंकि स्पेलिंग एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि IGST हमने पहले से लेजर बना के नहीं रखा है। कारण क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि लोकल से ही हम परचेज करते हैं, लोकल स्टेट से, तो वहाँ CGST और SGST लगता है। तो CGST और SGST के लेज़र हम तैयार करके रखे हुए हैं, लिस्ट ऑफ लेज़र में आप देख सकते हैं, लेकिन IGST हमने तैयार नहीं किया था। अब यहाँ ज़रूरत पड़ रही है तो IGST भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि नेम ऑफ आइटम में जो शुगर आइटम मैंने भरा था उसके बाद एक एंटर प्रेस करके अगर आप अल्ट प्लस सी दबाएंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो खुलेगी, और एक और एंटर प्रेस कर देंगे तो टेली ये समझेगा कि आपको अब स्टॉक आइटम नहीं डालना है, आपको कोई दूसरा लेजर बनाना है। तो अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन विंडो खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, IGST का लेजर क्रिएट करेंगे, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, GST लगाएंगे, टैक्स ऑफ टाइप में इंटीग्रेटेड प्रेस करेंगे और कहीं कुछ नहीं करना है। इस तरह से हमने IGST लेजर बना लिया और देखिए दोस्तों ये हमारा IGST लेजर भी बन गया और IGST इस पर 5% था तो ये 50 रुपये यहाँ पर IGST भी लग गया। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से, और इस तरह से देखिए हमारी एंट्री बिल्कुल सक्सेसफुली हो रही। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परचेज एंट्री या कोई भी एंट्री कर रहे हो, जब भी हमें लेजर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से अल्ट प्लस सी प्रेस करके
दोस्तों अल्ट प्लस सी का मतलब ये नहीं है कि अल्ट के साथ प्लस दबाना है और सी करना है, नहीं, आपको ये करना है एक उंगली अल्ट पर रखना है और दूसरी सी पर, पहले अल्ट प्रेस करना है फिर सी प्रेस कर देना है। कभी कभार ऐसा होगा शुरुआत में क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है तो अल्ट प्लस सी दबाएंगे तो वहाँ पर क्रिएशन फॉर्म खुलने की अपेक्षा, क्रिएशन विंडो खुलने की अपेक्षा सी लिख कर आ जाएगा, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, सी को काटेंगे फिर से अल्ट प्लस सी दबाएंगे। अगर आप ऐसा कई बार करेंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे, फिर जब भी आप अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन विंडो या जो भी विंडो आपको खोलनी है वो क्रिएशन विंडो खुलकर आ जाएगी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम समय की बचत कर सकते हैं और बार बार वापस जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आना पड़ेगा, फिर परचेज में जो एंट्री कर चुके हैं, मान लीजिए इतनी सारी एंट्री कर ली हमने, बहुत सारी मान लीजिए 10 आइटम हैं स्टॉक आइटम, उनके हम एंट्री कर चुके हैं और 11वें आइटम की जरूरत पड़ती है, वहाँ देखते हैं 11 स्टॉक आइटम बना ही नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर से वापस जाएंगे। जब लौट कर आएंगे क्रिएशन करके स्टॉक आइटम, तब तक क्या होगा कि जो भी हमने फिल किया था पहले वो सारा वहाँ से हट जाएगा, फिर से फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम बहुत आसानी के साथ लेज़र क्रिएशन कर सकते हैं, और नेम ऑफ आइटम में अगर आपको स्टॉक आइटम बनाना तो स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं, और इस तरह से आप टेली में आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि किस तरह से हम टेली ERP 9 में अल्ट प्लस सी का प्रयोग करके और समय की बचत कर सकते हैं और अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर उसी जगह पर परचेज एंट्री या सेल्स एंट्री या कोई भी एंट्री करते समय वहीं पर लेज़र क्रिएशन कर सकते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएशन कर सकते हैं, और टैक्स लेज़र हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इससे पहले भी हमारे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हैं जिनमें आपको टेली के बारे में ज्ञान बहुत ही आसानी से और सरलता के साथ दिया गया है। आप उन वीडियो को यदि देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को YouTube पर सर्च करें, टैग डालें और टेली अकाउंट GST डालें और सर्च करें, मेरे चैनल पर जाकर आप मेरी आज तक की जो भी पुरानी वीडियो हैं वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, टेली में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।